दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे टैबलेट पिरासिकाम के बारे में। इस टैबलेट का यूज कब किया जाता है, इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, लास्ट में जानेंगे इस टैबलेट की प्रिकॉशंस और वार्निंग के बारे में। दोस्तों ये टैबलेट जो होती है ये एक गामा एमिनोब्यूटिक एसिड ग्रुप की मेडिसिन होती है। ये क्या करती है, हमारे ब्रेन में यानी कि हमारे मस्तिष्क में जो सेल्स होती हैं और ब्लड सेल्स होती हैं उनके कार्य करने की जो ढंग होता है उसको और ज्यादा बेहतर करती है। साथ ही दोस्तों ये टैबलेट जो होती है हमारे ब्रेन की जो नर्व सेल्स होती है उसके संचार को और ज्यादा बेहतर करती है, जिससे हमारे ब्रेन की सुरक्षा होती है और हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है, हमारे ब्रेन का फंक्शन जो होता है और ज्यादा बेहतर हो जाता है। इस टैबलेट का यूज हम कब कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज है। ये कैसी बीमारी होती है जिसमें इंसान का कोई भी हिस्सा ज्यादा कांपने लगता है, चाहे उसका सर हो या उसके हाथ हो या उसके पैर हो, उनमें ज्यादा कंपन रहने लगती है, ये कैसी बीमारी होती है। साथ ही दोस्तों अगर किसी पेशेंट को अल्जाइमर रोग है, अल्जाइमर रोग क्या होता है, इसमें क्या होता है आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपके दिमाग काम करने की क्षमता कमजोर हो जाती है और क्या होता है आपको इसमें चक्कर ज्यादा आने लगते हैं। और अगर किसी पेशेंट को सर पे ज्यादा गंभीर चोट लगी है, ज्यादा गुम चोट लगी है, इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। साथ ही दोस्तों अगर किसी पेशेंट को ज्यादा चक्कर आते हैं तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दिल से जुड़ी बीमारी होती है तो ये टैबलेट क्या करती है, जो आपका हृदय होता है उसके ब्लड सर्कुलेशन को ज्यादा बेहतर करती है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। तो ये टैबलेट के यूज होता है, इन कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट को लेने के बाद आपका वेट गेन हो सकता है और आपको नर्व स्नैच की समस्या आ सकती है। ये टैबलेट के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों कुछ समय के लिए होते हैं। अगर आपके लंबे समय तक ये साइड इफेक्ट रहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर्स को इस बारे में जरूर बताना है। अब बात करते हैं इस टैबलेट के प्रिकॉशंस और वार्निंग के बारे में। देखो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनको कभी भी खुद से इस टैबलेट को नहीं लेना है। डॉक्टर अगर चाहे तो ही आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, अदरवाइज आपने खुद से इस टैबलेट को नहीं लेना है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हमारे नई वीडियो बनाते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे।